देखो जी, ये मिड डे मील वर्कर का धरना है। इनकी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में यूनियन है और इनकी मांग कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। इनकी मांग यही है कि कम से कम इनको 18,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, क्योंकि ये जो वर्करें लग रही है ये जमा गरीब परिवारों से, और सरकार का भी ये आंकड़ा है कि ये विधवा लगेगी पहले नंबर पे, विधवा और गरीब परिवारों से लगेगी। ये वो विधवा बहने हैं ज़्यादातर, मतलब 65% जो है ये विधवा औरतें हैं और गरीब परिवारों से। ये 18,000 न्यूनतम वेतन इनको दिया जाए और यहाँ तक कि पक्का भी किया जाए, क्योंकि ये 20 साल से स्कीम चल रही है और इसको अभी तक रेगुलर नहीं किया जा रहा, इसको कानून नहीं बनाया जा रहा। जब 20 साल से ये खाना बन रहा है कच्चा पक्का जैसे भी, तो इसको कम से कम जब काम स्कूल में जो मास्टर हैं वो पक्के हैं, उनमें PN पक्के हैं, तो मिड डे मील वर्कर क्यों नहीं पक्की? तो ये मजदूर भी नहीं है आज तक, इसलिए इनको पक्का किया जाए, 18,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। किसी भी वर्कर को, बच्चे कम हो जाते हैं, चाहे वो 20 साल से काम कर रही है, बच्चा एक भी कम हो गया तो वर्कर को ढाया जाता है, उसको ना ढाया जाए। जिसने 20 पैसे में काम करे है उसको ढाया ना जाए। बाकी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ज़्यादातर इस जून के मई के महीने में, जुलाई के महीने में धूप में जो रोटी बनाती है, पानी की, शेड की, छाया की कोई व्यवस्था। जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी है, उसके माध्यम से हमने अपने मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया है। उसमें तो मांग पत्र में तो फिलहाल हमने 84,97 रुपये मांगे हैं, क्योंकि कम से कम मजदूर का दर्जा तो दिया जाए। उसमें 18,000 की मांग की भी नहीं करी, लेकिन हमारी मांग है, लेकिन जो मांग आज हम उठा रहे हैं, वर्दी के जो पैसे हैं वो 300 रुपये में, आप लोगों को भी पता है, कोई भी बच्चे को भी पता है कि वर्दी महिला की 300 रुपये में नहीं बढ़ती। Thank you.